आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। मैं सिर्फ बात करूंगा, आज ना कुछ सिनेमैटिक सीक्वेंस होगा, ना कुछ हीरो गिरी होगी, कुछ नहीं होगा, बस आज बात होगी। तो अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, बस इतना कहना था मुझे। अब मैं आगे की बात करता हूँ कि एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जो आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि मुझे हो क्या रहा है, और आपको सही में नहीं पता चलता कि उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। 2 से 3 बार मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या होता है उसमें। और जब जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी आई एम फाइन, वो मैंने एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर ही बनाई थी। बट मुझे उस टाइम पे वो पता नहीं था कि एंजाइटी होता क्या है, बट मैंने वो फिल्म बना दी थी क्योंकि हम लोग ने स्टोरी ऐसे हम लोग ने प्रोड्यूस की थी कि उससे पता चले, एक अवेयरनेस हो कि क्या होता है उसमें। बट मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट अब मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मैं मेरे पहले एंजाइटी की स्टोरी बताता हूँ, मतलब जब मुझे पहली बार एंजाइटी अटैक आया। एक्चुअली जब आप लोग ने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं सुखान भाई का जो बर्थडे वाली वीडियो है, और उसमें मतलब मैं कैमरा वैमरा लेने जाता हूँ, तो उसमें जो स्टार्टिंग का सबसे स्टार्टिंग पार्ट है जिसमें मैं बोलता हूँ चलिए मैं आपको आज सुबह की सैर कराता हूँ। हाँ, टाइम जब सुबह की सैर हो गई थी, जब मैं सोने चला गया था, तब मैं सो के उठा था कितना, 11:30 बजे। तो 11:30 बजे उठने के बाद मुझे पता नहीं, अचानक से मेरी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई, मेरी पल्स एकदम हाई हो गई थी, और मेरे आँखों से सिर्फ आंसू आ रहा था, और मैं सिर्फ हाँफ रहा था जोर जोर से। अब पता नहीं क्यों एकदम हालत एकदम ऐसा लग रहा था कि क्या पता मुझे क्या हो रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बट फिर मैं थोड़ा मैंने पानी वानी पिया, सर में पानी वानी डाला, तो थोड़ा सा सुकून मिला। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके नहीं सोने की वजह से, और आपको जो आप फ़ोन चला रहे हो, मतलब फ़ोन तो मैं चलाता हूँ, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा मैं फ़ोन चलाते ही नहीं, वो शरीर मैं फ़ोन चलाने और आपके सोने की वजह से आपको एंजाइटी अटैक आ रही है। तो एंजाइटी की ये दो बहुत मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि आप फ़ोन में इतना देख लेते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्स हो जाता है, और जो नेगेटिव चीज़ होती है वो आपके माइंड में रह जाती है, और पॉजिटिव चीज़ वो फिल्टर हो जाती है, वो पता नहीं कैसे बट हो जाती है। फ़ोन चलाने की वजह से और मेरी नींद ने सिर्फ स्लीप साइकिल तो मेरा मतलब एकदम घटिया हो चुका है, मतलब मुझे नींद आती ही नहीं बिल्कुल। मतलब मैं अगर समझो अभी अगर मैं सो गया, अगर समझो मैं आधे घंटे के लिए सोया, तो समझो मेरी पूरी रात जगते जगते गुजर जाएगी, बट मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद आएगी तो 5 बजे आएगी। ऐसा हो गया था जब नया नया लॉकडाउन हुआ था, तब मैं 10 बजे सोता था, सुबह 9 से 10 बजे में सुबह सोता था। ऐसी हालत हो गई थी, स्लीप साइकिल मेरी एकदम, और इसी वजह से मुझे एंजाइटी अटैक आना शुरू हो गया। एंजाइटी अटैक मुझे इतनी बार तो नहीं आया, बट 2 बार एंजाइटी अटैक मुझे आ चुका है। तो मेरे वीडियोज़ में भी इफेक्ट पड़ा है, और थोड़ा बहुत मेरे घर पर भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि आप एंजाइटी अटैक आने के बाद आप थोड़ा छिड़ने लगते हो, आपको ऐसा लगता है यार कुछ अच्छा नहीं लगता आपको, ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, और ना कुछ करने का मन करता है। तो इसीलिए वही मैं ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब दूसरी तीसरी बार का एक्सपीरियंस क्या, फर्स्ट एक्सपीरियंस सही था, बट इतना नहीं था, इतना वो नहीं था, बट था। तो वही मैं इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं अपनी एंजाइटी की स्टोरी, मतलब स्टोरी नहीं बोलेंगे इसको, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको भी अवेयरनेस हो, अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी आपको एंजाइटी अटैक आया, या पैनिक या समथिंग कुछ होता है, डिप्रेशन में होते हो आप, तो आप लोग बस सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहला काम डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एंजाइटी अटैक की एक ऐसी चीज़ है जिससे ना आपको कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मुझे नहीं आए, बट मैंने जितना इसको स्टडी किया, मतलब जितना मैंने रिसर्च किया है, वो हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको एकदम मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो, मतलब आप आगे की ज़्यादा सोचते हो, मतलब ओवर थिंकिंग। इसमें ओवर थिंकिंग बहुत बुरी चीज़ है, जो इसके लिए आप कोई ना कोई चीज़ों में कुछ बिजी हो जाए, तो जिससे आप ओवर थिंकिंग ना करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग आदमी को अंदर ही अंदर खा लेते हैं, तो बहुत बुरी चीज़ है मेरे हिसाब से और शायद से। और ये जितनी भी मैंने एक्सपीरियंस बताई और जितने भी मैंने आपको बात हुई, ये सब मेरे ओपिनियन है, ये मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने बोला है तो यही हो, नहीं, मैं आपको मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक देखा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि क्योंकि वो टाइम में मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और थोड़ा ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करने लगा।
तो मैं इसलिए अभी मैं वही चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, मतलब अच्छे से अच्छा, जिससे आपको देखने में मज़ा आए और मुझे दिखाने में मज़ा आए। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बात की, और हो सके तो बस इतना ही बोला। अल्लाह हाफिज़। Yeah,